मालवण के पूर्व भाजपा विधायक और शांता कुमार सरकार में परिवहन मंत्री रहे महेंद्र नाथ सोफत को प्रदेश की मुख्य जयराम ठाकुर द्वारा डेढ़ दशक से भी अधिक समय के बाद भाजपा में घर वापसी करवाई गई। सोफत की घर वापसी के समय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पार्टी में उनका स्वागत किया और कहा था कि सोफत की घर वापसी से सोलन जिले और शिमला संसदीय क्षेत्र में भाजपा को और मजबूती मिलेगी। लेकिन सोफत के सोलन पहुंचने पर भाजपा युवा कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। वहीं सोलन भाजपा मंडल द्वारा सोफत से दूरी बनाए रखी, जिससे भाजपा की सोलन में गुटबाजी साफ देखने को मिल रही है। वहीं महेंद्र नाथ सोफत ने कहा है कि वह प्रदेश में विकास की गति देने के लिए और प्रदेश की कई युवा एवं ईमानदार मुख्य के हाथों को मजबूत करने के लिए बिना किसी शर्त भाजपा में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि वह सोलन में अपने अनुभव से भाजपा की गुटबाजी को खत्म करके सबको एक मंच पर लाएंगे। अब जैसे ही प्रदेश की परिस्थितियां बदली, यहां का जो नेतृत्व है कि युवा हाथों में आया, ईमानदार हाथों में आया, तो मैंने और मेरे साथियों ने, मेरी टीम ने ये सोचा कि क्यों ना हम इस जो युवा हाथों में नेतृत्व आया है, इनके हाथ मजबूत करें, हिमाचल के विकास की जो गाड़ी है उसको तेजी से चलाने में हम भी सहयोग करें। और लोकसभा चुनाव में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि जाए, इसकी भी हम पूरी चिंता करेंगे। जैसा जैसा यहाँ का मंडल, यहाँ का जिला, प्रदेश भाजपा का नेतृत्व, डॉक्टर राजेश कश्यप, जहाँ हमें कहेंगे हमारी ड्यूटी लगाएंगे, हम प्रचार में जुटेंगे। मैं और मेरे साथी पूरे मन से पिछली बातें भूलकर, पिछला सारा ढांचा तोड़कर, नई बात से, नई परिस्थितियों में, नई परिपाटी में नया इतिहास लिखने के लिए यहाँ भारतीय जनता पे आए हैं। मैं अपने अनुभव के साथ, अब मेरी उम्र 65 साल है, वो जो मेरे पास अनुभव है उसके सहयोग से, उसका लाभ लेते हुए मैं सारे गुटों को एक छत के नीचे इकट्ठा करने का प्रयत्न करूंगा। उसमें समय लग सकता है, लेकिन सफलता अवश्य मिलेगी, इसके लिए मेरा पूरा विश्वास है। सोलन से प्रदीप भाटिया की रिपोर्ट।